अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी खैरियत से हैं। और आज संडे का दिन है और आपके साथ जो है ये शेयरिंग की जा रही है कि 1 वीक से हम लोग घर पर थे और बिल्कुल भी हम लोग बाहर नहीं गए, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और शदीद गर्मी के बायस बच्चे स्कूल ट्यूशन वगैरह जाते रहे, बट हम लोग घर पे थे। मर्द हज़रात कामों पर जाते रहे, तो अब हम भी फेडअप हो गए घर पर बैठे बैठे। तो सोचा कि क्यों ना बाहर का विज़िट किया जाए, टूर किया जाए, संडे लंच किया जाए बाहर जाकर ना। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों को नम लगा दिए हैं, पानी लगा कर मैंने जो है इस्त्री करूँगी अभी कपड़ों को। तो मैंने पहले इनको नम लगा दिया है ताकि ये अच्छे से जो है वो गीले हो जाए। और बैदुला का सूट और शर्ट मैंने तैयार कर दी है, शर्ट और पैंट मैंने तैयार कर दी है। और अचानक से मुझे ये याद आया कि वैद और सैफ ने कल स्कूल जाना है, तो मुझे याद आया कि उनके तो यूनिफॉर्म ही रेडी नहीं है। मैंने फ़ौरन से जो है मशीन चलाई और लोगों का यूनिफॉर्म जो है वो मैंने तैयार कर दिया है। सोचा कि चलो अभी धो लेती हूँ, तो जब इसको ना डाल के चली जाऊँगी, तो जब आऊँगी रात को या शाम को तो ये खुश्क हुआ होगा और इसको इस्त्री कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है बाकी ये कपड़े इस्त्री करूँगी। और अभी जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो सानी इनके बाबा जो हैं वो शॉप पर अपने काम पर जा चुके हैं। आज उनको छुट्टी नहीं थी, मंडे है कल और कल उनको छुट्टी होगी, तो हमारी वैसे कोई छुट्टी नहीं है, हम हर टाइम जो है वो बिज़ी बिज़ी। आपको तैयारियां मैंने दिखा दी हैं, अब नेक्स्ट वीडियो तक आप हमें ज्वाइन करके रखिएगा और कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे हम्बल से प्यारी सी रिक्वेस्ट है। इसके अलावा हमारा भी गुजारा नहीं है कि हम आपसे ये ना कहें, क्योंकि हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं होता है। लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो इसके साथ हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है और आपके जैसे व्यूज़ हम देखते हैं कि आप हमें लाइक कर रहे हैं, तो हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। ये मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा जो है वो ज़रिया है जो कि आपकी तरफ से हमें मिलता है। तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम अपने काम को जारी रखें, वरना फेडअप होके हमसे क्या होगा कि हम अपने काम को ख़त्म कर देंगे और ये सोचेंगे कि हमें तो कोई पसंद ही नहीं करता है और ये तो वो। तो मेहरबानी करके हमारे साथ जुड़े रहें और हमें जो है वो लाइक करते रहें। आपके बच्चे भी रोते हैं इस तरह नहाते वक्त? ये देखें, ये नहा के आए तो इसको ना असल में चोट लगी हुई थी, ये इसको चोट लग गई थी तो उसके ऊपर पानी भरा ना तो वो दर्द हो रहा है, तो ये रोना शुरू हो गया। वरना रोता नहीं है नहाते हुए, बड़ा अच्छा बच्चा है। सीनी को हवा ना लग जाए, कहता था मैंने नहाना नहीं। बच्चे तैयारी पे हैं और अब हम निकलेंगे घर से। यहाँ पर हम नाश्ते के लिए तो आ चुके हैं, यहाँ पर बच्चे जो हैं नाश्ते का वेट कर रहे हैं। आपको क्यों हंसी आ रही है इस कदर? यहाँ पे बच्चे नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं, शक्लें देखे क्या हुई हुई है। नाना बू जो है ऑर्डर दे आए हैं नाश्ते का, आसानी हमारे साथ नाश्ते पे नहीं है तो लगता है बहुत ज़्यादा जिससे कमी कमी है। ये देखिए मुझे टाइमिंग दिखा रही है, तो आप लोगों की वजह से ये टाइमिंग हुई है। ये मेरा शहजादा, और इधर देखो तुम, बहुत अजीब बातें हो वैसे। यहाँ पर पूड़ियाँ आ चुकी हैं और हलवा चने वगैरह सब आ चुके हैं, लस्सी का वेट हो रहा है। जैसे लस्सी आती है तो फिर हम लोग नाश्ता स्टार्ट करते हैं। रोटी पक जाए, अंडा बॉइल करो, अंडा फ्राई करो, वो भी हो जाएगा। इतनी गर्मी कि लगता है किसी ने सजा दी हुई है यार। तो किसी ने आपको ये तो नहीं कहा था कि आप बाहर निकल के नाश्ता करो? लेकिन बच्चों की खातिर, आपको अपने शौक था बच्चों की खातिर यार, बच्चों के लिए बड़ा कुछ देखना पड़ता है। बड़े दिन हो गए, बच्चे बड़े बोर हो रहे थे, क्या करें, एंजॉयमेंट यही एंजॉयमेंट है। जी जी, ये हम हैं और ये हमारी ऑरेंज ट्रेन है और हम गर्मी में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगता है हमें किसी ने सजा दी है। आप लोगों ने निकलना है तो गर्मी में ही निकलना है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी। हेलो,
आ गई। लस्सी आग पियो आप, पियो आप पहले, दूसरा भी आता ना ग्लास, पियो सीधे हाथ के साथ पियो। बहुत टेस्टी, लो कहते हैं उसको। आखिरकार लस्सी के ग्लास हमें मिल ही गए और अच्छा मिलके पियो, सीधे हाथ के साथ पियो। हाँ जी, कुछ सुकून हुआ है? सारी उंगलियां साथ लगा के पिया करो। शदीद गर्मी, बहुत गर्मी है। अभी नहीं लगाया, सर्विस होना है हम लोगों का इसे। मटर ना बनाने की सजा, मैं उतार के दिखाऊं आपको। मटर ना बनाने की सजा, टेबल उठाइए तो टेबल गिर गई। ना मानो बड़ों का, आपके साथ ये हो। ससुराल में जाके क्या करेंगे कुछ पता नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देख सकती हैं। ये देखो केले कितने निकले हैं, ये देख। यहाँ पे ना मटर आलू क्या बन रहा है, मटर आलू कहने लगी थी, चाइनीज राइस बनने लगे हैं। और यहाँ पर तैयारी तुम शोर पर है। ये मोटो बनाएगी ना, मोटो आपने बनाना है, बस ठीक है। पीदा फंसेगा नहीं, ये देखिए ये पट्टी हो चुकी है, बहुत खतरनाक पट्टी हुई है, जो कि हमें देख के टर्स तो बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन हंसी तो नहीं करी है हम लोग। लड़की क्या करती है हरकतें, समझ से बाहर है। काश कि मैं इसकी बूथी आपको दिखा सकती, काश ये देख। बहुत बुरा हाल है। हाँ जी, चोट लग गई है, मानते चोट लग गई है, अस्तगफिरुल्लाह। चाटा के कपड़े नहीं दिखाया मेरे, अस्तगफिरुल्लाह। ये देखिए ये पट्टी हुई है, तो आप बताएं इस तरह की पट्टी कौन करता है? पता है क्या, देखिए मैं नीचे पट्टी बांधी थी ना मैंने, तो पट्टी ऊपर शॉपर इसलिए, शॉपर नहीं सॉरी प्लास्टिक इसलिए। ये असल में ये दिखाना चाहती है कि ये खून है, ये खून नहीं है, ये मेडिसिन लगाई भी है हमने, मेडिसिन से भर दिया उसने, ऐसे किया ठीक है कि उसका गीला रहेगा, गीला रहेगा ताकि वो खराब ना खराब ना। ऊपर मैंने प्लास्टिक इसी वजह से चढ़ाया है ताकि ये पट्टी तो नरम होती है, पट्टी नरम हो जाएगी। अभी मुझसे आप लोगों ने इतना काम करवाना है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी पट्टी खराब ना हो, ताकि अब मैं नहाऊं भी हमने इसको खराब नहीं होगी। आगे डाना है हमने इसको चूल्हे के आगे डाना है कि इसने बिरयानी ये पुलाव बनाना है, यही बनाएगी और इसी पाव के साथ बनाएगी, हम भी यही खा के। पाव वाली बिरयानी नहीं खानी, पाव हिल भी नहीं रहा, मैं जिस तरह चलती हूँ अब तो जूता भी नहीं मिलता बेटे। जरा सा काम किया है इसने, पाव में जूते छोड़ दो वाली। वैसे हिम्मत है जी, गर्मी में खड़ा होकर हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? खाना पक रहा, नजर तो आ रहा है वैसे। अपने हुजम का भी अंदाजा नहीं होता, तो खाना पकाने का भी अंदाजा नहीं होता, आ जाएगा ऐसा ऐसा फर्क पड़ रहा है। ऐसा ऐसा ही है, ये देख सकते हैं ये खाना पकाने वाली है और ये हम खाने वाले हैं। साफ कर लीजिए आप वेट का और उसका। हम नानो की तरफ आए हैं, यहाँ पर मसाला काफी तेज है, गले में लग रहा है ना, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं बड़े मामू की तरफ। तो छोटे मामू की फैमिली भी हमारे साथ जाएगी, तो यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। ये देखे ये आधा सूट रही हैं और आधा जो है वो मिक्स कर रही हैं। मैं सूटती नहीं होती, मैं हमेशा सही से बनाती हूँ, मैं सूटती नहीं होती, मैं फेंक देती होती हूँ। ओहो तो कुछ मैं भूल गई थी, ये क्या है? ये एग्स है हमारे। ओह माय गॉड, एग्स भी डालेंगे आप? वैसे हमने अवॉइड कर दी एग्स डालना, क्योंकि बीपी के मरीज हैं बहुत, हमारे घर में भी है लेकिन हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखें हमने एग्स इसीलिए डाले हैं ताकि हाँ आप लोग कम कम खाएं। अच्छा, हम इंतजाम कर लें अपने साथ, बैग शेक कोई बना लें खाने पीने के साथ, क्योंकि आपसे तो हमें तोकवात ऐसी ही होंगी बेटा, क्योंकि जानते हैं हालात से हम बखूबी वाकिफ हैं। ओ ये ऊपर रहा है, ये ऊपर गया है, दम लगेंगे चावलों को और हमारे चावल चोट लग गई है आते हुए।
शरारते कर रहा था ना वहाँ पे सबके साथ मिलके, नजर लगवा ली अपना को, चोट लगवा ली। जी व्यूवर्स, यहाँ पर हम बड़े मामू की तरफ आ चुके हैं। मामी से मिलना था, बच्चों से मिलना था, वहाँ पर आए, खाना बनाकर लेकर आए। मामी ने भी आगे बड़ी शानदार कढ़ाई बनाकर रखी थी, सबने मिलकर खाया, पप्पू की फैमिली भी शामिल हो गई, बड़ा मज़ा आया। इसके बाद दुआ खैर होगी मामू के लिए, और बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, स्टिल एंड तक देखिएगा और न्यू वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़। ते उकबादी हाफिज ना तलब मैनू, दुनिया ते उकबा तलब मैनू, मौत अपनी मैं मंगना, मौत अपनी मैं मंगना, सरकार दे बूहे तेरे।